बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेवंथ क्लास। बेटा दिस इज मी मोहम्मद फरहान सईद। स्टार्ट करते हैं आज के हम लेक्चर नंबर 21। ये हमारा आज चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन के लिए। 1 की हो गई हमारी रिवीजन और एक्सरसाइज आप लोगों ने वो अटेम्प्ट करनी है। मैंने आपको वो बतलाया भी था कि क्या क्या करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं अगेन वो साथ साथ कोई भी आपको क्यूरी आप सवाल करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। बेटे ये दो सेकंड चैप्टर हमारा सॉफ्टवेयर बेसिक्स की, सॉफ्टवेयर की कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर क्या चीज। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विद द हार्डवेयर अलोन। कोई भी कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क, कोई भी काम नहीं कर सकता है कब, सिर्फ अगर उसके अंदर हार्डवेयर लगा दिया जाए। सिंपल है, खाली हार्डवेयर लगा दिया जाए, मींस के मॉनिटर, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट और आप लोग उसमें यानी कि उसके माउस, हर एक चीज आप कंप्यूटर की लगा दें, वायर लगा दें, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आप उसको पावर सप्लाई दे दें, अगर उस सिस्टम में विंडो इंस्टॉल नहीं हुई होगी तो बेटा उस खाली हार्डवेयर से हम लोग उस सिस्टम को नहीं चला सकते हैं, काम के काबिल नहीं बना सकते हैं। इट रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क। इसको किसको, कंप्यूटर को और उसके हार्डवेयर के, जो हार्डवेयर जो उसके पार्ट्स हैं उन सबको कुछ इंस्ट्रक्शंस की, हिदायत की जरूरत होती है टू परफॉर्म अ टास्क, किसी भी काम को करने के लिए। दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। वो जो इंस्ट्रक्शंस जिनकी जरूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए, वो हिदायत क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो बेटा अब सॉफ्टवेयर की जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है, मजमुआ है हिदायत का, गिव टू द कंप्यूटर, जो कि हम देते हैं किसको, कंप्यूटर को, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क मीन कोई भी मखसूस काम जो आप सिस्टम पर यानी कि परफॉर्म करवाना चाहते हो कंप्यूटर से। तो ये बेटा सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है यहां से यहां तक। सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू हेल्प यूजर। सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है यूजर की मदद के लिए, टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, ताकि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो सके, जुड़ सके, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर सके, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, प्ले गेम्स, वॉच मूवीज, ड्रा इमेजेस एंड पेंटिंग्स एटीसी। अब मींस के इंटरेक्ट होके वो क्या क्या कर सके, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सके, गेम्स खेल सके, कोई मूवी वॉच कर सके, ड्रा इमेजेस, पेंटिंग एटीसी। There are two main types of software. अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं वो दो हैं जो कि मेन है। नंबर वन सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेटा आज आपने यानी कि जो एक तो आपने ये वाली चीज के पहले जो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, इसमें ये वाली बात लाजमी जो 1.5 लाइंस है कि कंप्यूटर अकेला कुछ नहीं कर सकता है, अगर खाली उसका हार्डवेयर हमारे पास अकेले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम परफॉर्म करवाने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, वो जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो क्या होती है, सॉफ्टवेयर होती है। ये तो हो गया इसका एक इंट्रोडक्शन। अब इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन ये वाली, ये सॉफ्टवेयर की ऑथेंटिक डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके अलावा कि इंटरेक्ट किस लिए, अब यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है कि जो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प डैश यानी कि हेल्प टू यूजर डैश विद कंप्यूटर। तो इसके यानी कि इंटरेक्ट एमसीक्यू के तौर पे यहाँ से बन सकता है। एक तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन हो गई सॉफ्टवेयर की, दूसरा इस लाइन से आपका एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ से भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो बेटा इस सारे को आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन जो है इसको कम्प्लीटली तवज्जा के साथ आपने रीड करना है और लिखना भी है, ये भी लिखना है और इसकी डेफिनेशन ये सारा, और उसके बाद सॉफ्टवेयर की कितने टाइप्स हैं वो, इसी तरह जिस तरह ये आपके इसको नजर आ रहा है लिखा हुआ, इस तरह आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखना है, लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस ड्रॉ करने के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक तो ये आपका होमवर्क हो गया, दूसरा आपकी जो एक्सरसाइज हम लोग
एमसीक्यूज और फिल इन दी ब्लैंक्स मैंने आपको वो करवा दिए थे। यहां से अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द फॉलोइंग सिस्टम यूनिट, मेमोरी, प्रोसेसर, बारकोड रीडर और मदरबोर्ड, इन सब के शॉर्ट जवाब देने। तो बेटा ये आज आपने याद करने, मुझे लिखने का काम है, मैंने बताया है जो न्यू चैप्टर स्टार्ट किया वो 2 पैराग्राफ लिखने हैं, बाकी ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करने हैं, सिस्टम यूनिट, मेमोरी, प्रोसेसर, बारकोड रीडर और मदरबोर्ड, इनके जवाब आप लोग समरी से कर सकते हो। यहाँ पे ये बारकोड रीडर है, उसके अलावा आपके जो मेमोरी की डेफिनेशन ये है, प्रोसेसर की भी आपको यहां से मिल जाएगी, सिस्टम यूनिट की, मदरबोर्ड की, प्रोसेसर की, ये रही ये डेफिनेशन, ये आपने याद करनी है अच्छे से। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज। ये तो मैंने आपको याद करने के लिए दे दिया, अब बेटा ये भूलना जाना, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका लिखने का काम है वो मैंने आपको न्यू जो चैप्टर स्टार्ट कराया रिवीजन का चैप्टर नंबर 2, वो लिखना है लाजमी। ये देखें ये वाला, ये सारा आपने यहां तक लिखना है और वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करने हैं।